सो ये गाइस कैसे हो आप सब दोस्तों। इस वक्त जो है मैंने जो है काफ़ी महीने से जो है बोल्ट कर्व ANC को जो इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड आई थिंक जो है इस सेल के पहले मेरा जो है एक इसका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस देना बनता है, क्योंकि ये जो है एक स्पेशल हेडफोन है। मुझे पता है कि रियलमी वायरलेस 3 है, ANC है, उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स है, बट ये पार्टिकुलरली जो है ईयरफोन है ये जो है आपको सेल पे 1100 के अंदर जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने खुद भी जो इसको 1100 रुपये में खरीदा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी डिस्काउंट वगैरह भी आता है। तो अगर आपको 1000 रुपये के आसपास एक बढ़िया विथ ANC वाला ईयरफोन चाहिए तो आई थिंक आप इस हेडफोन को जो इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये जो है काफ़ी एक बढ़िया डील है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरा जो है क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड मैंने जो है इस टाइम पे इस हेडफोन को एक बार रिप्लेस भी किया है। क्यों किया है मैं आपको वो भी बताऊंगा एंड जो प्रॉब्लम मुझे हुआ था वो तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा ही। तो चलो देखते हैं कि भाई मेरे एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड क्या आपको इस सेल में इस हेडफोन को कंसिडर करना चाहिए अगर आप 1000 रुपये के अंदर कोई हेडफोन खरीदने वाले हो। तो चलो बिल्कुल शुरू करते हैं। सो गाइस मैं आपको बताऊंगा, जब भी मैंने इस हेडफोन को खरीदा था एंड अनबॉक्सिंग वगैरह किया था, उसके बाद जब मैंने इसको इस्तेमाल करना चालू किया था, ठीक है ना, तो जब भी मैं इसके ANC वाला फीचर्स इस्तेमाल करता था उस टाइम में, तब मैं आपको बता दूँ, तब जो मैंने अमेजोन से जब ऑर्डर किया था वो तब 1 या 2 दिन ही हुआ था, ठीक है, मुझे टेस्ट करने का। तो मान लो अभी ANC मोड ऑन है एंड जब भी मैं ऐसे कान को पकड़ता हूँ तो तभी जो मुझे बिप बिप चिच करके एक आवाज़ आता है, ठीक है, एंड जब भी मैं इसको छोड़ देता हूँ तब वो आवाज़ नहीं आता है। एंड एक मतलब स्ट्रेंज चीज़ है, इसका जो बॉक्स में जो है पिक्चर दिया हुआ है एंड इसका जो ड्राइवर का पिक्चर है, मतलब यहाँ पर एक लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर भाई वो लोगो है ही नहीं, ठीक है, ये मुझे काफ़ी और लगा है। एंड अगर लोगो रहता तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि लोगो नहीं है भाई दिखने में काफ़ी घटिया लग रहा है, ये एक चीज़ है, क्योंकि दिखने में सच में भाई एक लोकल का प्रोडक्ट लग रहा है। अगर लोगो रहता तो भाई काफ़ी बेटर रहता वो, या फिर कुछ भी लगा देते भाई, यहाँ पर एक होल लगा हुआ है भाई, कैसा लग रहा है दिखने में, काफ़ी घटिया लग रहा है ये चीज़, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट फिर भी वो जो चीज़ है काफ़ी सही होता अगर होता तो, ठीक है, तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो शायद मेरे हेडफोन का तब दिक्कत है, तो मैंने जो उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद जब आया तब 1-2 दिन तो वो ठीक था, उसके बाद सडनली मैंने देखा कि भाई फिर से उसी हेडफोन पे जो है इस साइड पे, कभी इस साइड पे जो है जब भी वो ANC ऑन होता है तभी अगर इसको आप टच करते हो तभी उसमें गिगी करके आवाज़ आना चालू हो जाता है स्पीकर पे। आप उंगली छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, तब जो बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ जो है मुझे लगा कि भाई नहीं, ये जो है इसका मॉडल में ही दिक्कत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखना कि भाई इसका जो मॉडल पे जो है ऐसा एक दिक्कत है, जिससे जो क्या होता है कि भाई अगर ANC ऑन रहता है तो जो है आप जब इसको कान पे लगाओगे, यानी कभी कभार होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ANC ऑन कर दियो एंड इस हर बार जो ये चीज़ होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ANC ऑन है एंड कभी कभार जो अगर आप इसमें उंगली लगाते हो तब जब वो बिजली बिजली करके आवाज़ होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान पर रखना, पर उतना दिक्कत नहीं होता है इसमें, बट हाँ एक चीज़ है। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि भी इसका ANC मोड, ठीक है, इसका ANC गाइस उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है, अगर आप पहली बार कम बजट में ANC को मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आई थिंक आप इसके साथ जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि जो प्राइस में ये जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ये और कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इस प्राइस रेंज में आपको ANC वाला हेडफोन देखने को नहीं मिलेगा, तो जिसमें ड्यूअल पेयरिंग भी हो, ध्यान पर रखना। तो इसलिए जो है मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इस प्राइस रेंज में ANC भी ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका ANC उतना अच्छा तो नहीं है बट उतना बुरा भी नहीं है। तो अगर आपको ANC एक्सपीरियंस करना, फर्स्ट टाइम ANC वाला हेडफोन लेना चाह रहे हो बट आपके पास बजट नहीं है, तो दिस इज़ द ईयरफोन फॉर यू गाइज, आप इसके साथ जा सकते हो। उसके साथ इसका जो बैटरी बैकअप है, देखो अभी जो हम लोग जो हेडफोन इस्तेमाल वगैरह करते हैं तो उसमें जो अगर आप इसको ऐसे लगा देते हो तो जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, पर इसमें वो फीचर सेम है, ये मैग्नेटिकली ऑफ नहीं होता है, इसको आपको पावर बटन से ही जो है ऑफ करना होता है। एंड मुझे मैंने देखा कि भाई इसका पावर बटन मुझे काफ़ी ज़ोर से प्रेस करने पर ही ये ऑन होता है और ऑफ होता है, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे एनुअल लगता है, क्योंकि अभी जो है जितने हेडफोन आ रहे हैं मैग्नेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, बट इसका प्राइस देख के हम लोग वो शिकायत नहीं कर सकते, तो मैं जो है इसको ऑन ही छोड़ कर रख देता हूँ, तो इसलिए जो है मुझे जो है इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम ही मिलता है, ठीक है। अगर आप भी ऐसा ही आपका भी हैबिट है तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली मतलब कॉमन बात है ना, आप ये ऑन है तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप जो आपको कम ही मिलेगा, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी लेकर आपको आप क्या इससे
मारने जा रहा होगा किसी को, गाना वगैरह सुनोगे आपके गले में लटकेगा, तो तार का क्वालिटी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि तार जो है काफ़ी पतला लगा है मुझे, ठीक है एक चीज़ है, बट चलेगा एक दो साल तो भाई ये भी आराम से गुजारा कर देगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पुराना हेडफोन्स था उसका जो क्वालिटी है मतलब इसके साथ ही मैच करता है, तो उसमें आपको आई थिंक जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो तार का क्वालिटी मतलब बिल्ड क्वालिटी आप मान के चलो 4 out of 5 है, ठीक है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड कॉलिंग क्वालिटी वो भी जो है काफ़ी बढ़िया है, इसका ANC जो है काफ़ी बढ़िया काम करता है, तो उसमें भी जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसका जो है साउंड क्वालिटी है वो भी गाइस मैं सच में सरप्राइज हूँ कि भाई इतना कम बजट में जो है इतना बढ़िया साउंड है कैसे प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको ANC भी देखने को मिलता है, तो विथ ANC भी जो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इसने जो है बेस को जो काफ़ी बढ़िया मैनेज किया हुआ है, मुझे जो है बेस थोड़ा अच्छा ही लगा है, एटलीस्ट बोट के हेडफोन से तो भाई मुझे बेस इसका अच्छा लगा है, बट हाँ डेफिनेटली रियलमी वायरलेस थी या फिर वन प्लस जो है उसके साथ डेफिनेटली ये टक्कर नहीं दे सकता, ये तो मतलब सामान्य फैक्ट है, बट हाँ काफ़ी अच्छा है, ये आपको निराश तो नहीं करेगा, ये अच्छी चीज़ आप ध्यान पे रख सकते हो। एंड इसका जो इसमें आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है, बट इसमें जो आप कैजुअल गेमिंग ही कर सकते हो, ठीक है, रियलमी वायरलेस की तरह इसमें ऑलमोस्ट जो इग्नोरेबल लेटेंसी नहीं है, ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर लेटेंसी फील होगा, बट हाँ अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, ये जो चीज़ें मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए जो मैंने आपको बताया। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ फिटिंग के रिगार्डिंग, कि इसका जो ड्राइवर है भाई बहुत बड़ा है, ठीक है, इनफैक्ट इसका प्लास्टिक भी काफ़ी बड़ा है, तो मुझे जो है थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इसके साथ जो इसका जो ईयर पिन है फुल जो है रबर कोटिंग के साथ मतलब कवर के साथ आता है, तो मैं जो उसको इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसको लगाने के बाद जो है इसका साइज जो और भी बड़ा हो जाता है, तो और भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो मैंने जो उसको खोल के रखा हुआ हूँ क्योंकि वो और भी दिक्कत देगा, तो इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप देख लेना भाई आपको इस्तेमाल करना है कि नहीं, तो इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि भाई वो बहुत दिक्कत देता है, इसलिए तो मैंने इसको खोल के इस्तेमाल करता तो इसके जो है इसका साइज भी थोड़ा कम हो जाता है एंड मुझे मेरे कान को उतना जो है दिक्कत नहीं होता है। हाँ इसका फिटिंग उसके बिना भी काफ़ी बढ़िया है, आप इसको अगर लगाओगे ऐसे ऐसे हिलाओगे तो भाई ये गिरेगा नहीं, डोंट वरी, ये कभी भी गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई गिर जाएगा, ये गिरेगा नहीं, ये लगाने के बाद भी वो गिरेगा नहीं, हाँ बट आप उसको जब लगाओगे ना तो भाई ANC का फीचर्स जो है और भी बेटर काम करेगा कि भाई उसके साथ साथ तब जो है मतलब पैसिव के साथ तो आपका एक्टिव भी तब ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है जो कि आपको लगाने से ही जो काफ़ी जो साउंड वगैरह जो कट हो जाता है वो तो आपके तब काम ही करेगा। तो ओवरऑल मैं आपको कहूँगा अगर आपको ये 1,100 रुपये के आसपास मिल रहा है तो डेफिनेटली आप आँख बंद करके इसको खरीद सकते हो, अगर आपका बजट जो है 1,000 रुपये के आसपास है आपको जो है कोई जो है शिकायत या फिर निराशा जो इससे नहीं होगा, तो अगर आप इसको सेल में खरीदना चाहते हो इस बजट पर अगर आपको मिलता है तो गो फॉर इट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई थिंक गाइस ये जो लॉन्ग टर्म रिव्यू था एंड मेरे साथ जो इश्यूज हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड आपको अगर कोई भी जानकारी और चाहिए तो डेफिनेटली आप वो मुझे बता सकते हो, और मुझे मैंने लगता है कि जितना सारा जानकारी चाहिए था मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्य वजह।